अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AFI न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज, TRS MLC प्रभाकर ने हॉकी ग्राउंड मासपटैंग में मुनाकिदा दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में कार की चाबियां हवाले किए। तकरीब में नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स व कॉरपोरेटर सुदूर इब्तदाई मोहतमदीन पार्टी लीडर्स की कसीर तदाद मौजूद थी। इस दौरान इस्तेफादा कुनिंदगान ने जल्द से जल्द कार्रवाई और मतलूबा मकसद के हुसूल पर चीफ मिनिस्टर KCR व मजलिसी क़ियादत से इजहार तशक्कुर किया। रियासती हुकूमत की जानिब से दलितों को खुद मुख्तफी बनाने के गर्ज से दलित बंधु स्कीम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत हर हलके असम्बली के 100 दलितों को स्कीम के तहत मुंतखब कर इन्हें 10 लाख रुपये की इमदाद दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत इस प्रोग्राम का इनेखत अमल में लाया गया है। आइए सुनते हैं मज़ीद तफसील नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज की ज़ुबानी। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दलित बंधु स्कीम में एक एक बेनिफिशरीज को 10 लाख रुपये आए हैं। उसके अंदर जो बेनिफिशरीज कार या कमर्शल व्हीकल्स लिए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैं और मेरे भाई MS प्रभाकर साहब, MLC और जनाब आनंद गौड़ साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर, जिसके अंदर विजयनगर कॉलोनी के डॉक्टर कासिम साहब है, मल्लापल्ली के जफर खान साहब है, अहमदनगर के सरफराज साहब है और हमारे और कौन कौन आसिफ नगर मोहम्मद मूसा, मेहदीपट्टनम मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, आरिफ रिजवान रेडिल्स, तमाम के तमाम मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। मैं तमाम जितने लोग यहाँ पर शरीक हुए और जो बेनिफिशरीज हैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के अंदर जो भी हुकूमत तेलंगाना KCR साहब के स्कीम्स आते हैं, उस स्कीम्स को न सिर्फ सक्सेस करती है बल्कि बेनिफिशरीज को बेनिफिट कराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। मैं प्रभाकर साहब का, आनंद गौड़ साहब का और हमारे तमाम लोगों का, ख़ासतौर से कलेक्टर हैदराबाद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, EDSC कॉरपोरेशन का उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम के ऊपर जो दलित बंधु के फर्दन सेकंड फेज़ के जो स्कीम्स में हमको देने का है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम लोग कराएंगे। मैं फिर एक मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और जितने बेनिफिशियरीज अपने फैमिलीज को लेके आए हैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूं। जुमला आज कितने दिए? जुमला 100 सैंक्शंस हुए हैं, जिसके अंदर आज के जो सैंक्शंस के अंदर अभी फिलवक्त फर्स्ट फेज़ के अंदर अराउंड 22 को हम लोग गाड़ियाँ दिए हैं और भी लोग करीब 56 लोग गाड़ियाँ लिए हैं उनको भी देंगे। और उसके साथ साथ कुछ लोग कारोबार के लिए, जैसा सीमेंट की दुकान है, कोई बेकरी डालना चाह रहा है, कोई इलेक्ट्रिक की दुकान डालना चाहता है, उन लोग के लिए भी उनके कारोबार पे जाके उसको भी हम लोग इनॉग्रेशन करेंगे और दलित बंधु का बोर्ड लगाने लगाएंगे। और मैं मेरे भाई प्रभाकर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी दो लफ्ज़ बोले।